ये बहुत अहम नुक्ता है हमारे तलबा के लिए समझने का कि ये असल में बनी इसराइल का तज़किरा नहीं है। जहाँ जहाँ भी तज़किरा किया गया है ये बनी इसराइल के हवाले से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का तज़किरा है। हमको बतलाया गया है कि किसी हिदायत याफ्ता कौम में आहिस्ता आहिस्ता कैसी अखलाकी बीमारियां पैदा होती हैं, कैसी नफसियाती बेराह रवी पैदा होती है। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहीहैन की रिवायत है, लतत्तबिउन्ना सुनना मन काना कब्लकुम, तुम लोग भी अपने पहलों के तरीकों पर चलोगे। कितनी ताकीद के साथ हुजूर फरमा रहे, लाम ताकीद नून मुशद्ददा बराए ताकीद, लतत्तबिउन्ना सुनना मन काना कब्लकुम, तुम अपने पहले वालों के तरीकों पर जरूर चलोगे। ये हो कर रहेगा, जिसको हम अपनी उर्दू में कहते हैं ना, ये तो होना ही है। शिब्रम बिशिब्रिम व ज़िराअम बिज़िराअम, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। एक एक बालिश्त, एक एक हाथ नाप नाप कर। और ये तो एक मुजमल सा बयान है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने नकल फरमाया है। मुख्तलिफ मौक़ों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीलात भी जिक्र फरमाई। कहीं आपने फरमाया है कि अगर वो लोग किसी गोह के बिल में दाखिल हुए तो तुम भी दाखिल हो। कहीं आपने इंतहाई गंदे अखलाकी जराइम का तज़किरा करके फरमाया कि अगर उनमें से किसी ने ऐसा किया तो तुम भी ऐसे करो। कहीं अकीदे की आखिरी हद तक गिरावट का जिक्र करके फरमाया कि अगर उनमें यह बुराई आई तो तुम में भी आएगी। तो इस वक्त एक खास किस्म की बुराई और एक खास किस्म की नफसियाती कमजोरी, जिसका इन आयात के ज़िम्न में तज़किरा हुआ है, जिनकी तिलावत की गई नमाज की पहली रकात में, वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों में अपनी बर्तरी का एहसास बहुत पैदा हो गया। ये बड़ी अजीब बात है, जब जब भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की बहसत हुई, मैं वक्त हो जाए तो मुझे बतला दीजिएगा, बात लंबी ना हो जाए। जब जब भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की बहसत हुई तो सबसे पहले मुआशरे के जो बिल्कुल गिरे पड़े लोग होते थे उन्होंने पैगंबर की बात मानी, इसलिए कि जो माशरे के बासर लोग होते थे, जो बाहैसियत लोग होते थे, माशरे की खराबियों के साथ उनके मफादात जुड़े होते थे और उनके लिए अपने मफादात को छोड़ना आसान नहीं होता था। मादी मफादात भी होते थे, मानवी मफादात भी होते थे। एक शख्स का कारोबार है, अब पूरे इलाके के लोग उसके ग्राहक हैं, वो डरता है अगर कोई नई दावत में कबूल कर लूंगा तो सारे लोग मेरी दुकान पे आना छोड़ देंगे। ये मादी मफाद है। एक शख्स की लोग बहुत इज्जत करते हैं, वो डरता है कोई नई बात अगर जो वो सच है हक है लेकिन वो समाज के अब तक के बने हुए मिजाज के खिलाफ है,
अगर मैं उस बात को कबूल कर लेता हूँ, उसका ऐलान कर देता हूँ, तो लोग मेरी इज्जत करना बंद कर देंगे, लोग मुझे गालियाँ देने लगेंगे। ये मानवी मफाद है। तो जो बाअसर व बाहैसियत लोग होते थे उनको अपने मफादात का डर होता था। जो बेचारे पहले से गिरे पड़े हैं, मजदूरी करके कुछ कमा लिया तो खा लिया, जिनकी पहले से कोई इज्जत नहीं है, ये ज़रा गहराई से समझने की बात है। जिनको वैसे भी लोग जलील समझते हैं, तो उनके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं होता ना। अब अगर उन्होंने हक की दावत कबूल कर ली और उनको गालियां सुनने को मिली, तो उनको तो पहले से भी गालियां मिल रही थी, लेकिन उनका दिल मुतमईन होता है कि अब हमको जो गालियां मिलेंगी वो हमारी आखिरत की तरक्की का जरिया बन जाएंगी, वो अल्लाह से कुर्ब का जरिया बन जाएंगी। तो वो चूंकि उन हालात के पहले से आदि होते हैं, इसलिए हमेशा नबी की दावत को सबसे पहले समाज के दबे कुचले लोगों ने कबूल किया। जब दावत को कबूल किया तो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। खुद मक्के मुकर्रमा में हम देखें, चंद लोगों के अलावा किसने हिम्मत की आगे बढ़। हजरत सुमैया बांदी थी, हजरत यासिर गुलाम थे, हजरत अम्मार इब्न यासिर गुलाम जादे थे, हजरत बिलाल हबशी गुलाम थे। हजरत यासिर के ख़ानदान को जब सताया जाता था मक्के में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे, आपका दिल तड़पता था, तो आप फरमाते थे सबरन या आल यासिर मौइदुकुम अलजन्ना। यासिर के घर वालों जमे रहना, कुछ दिन की बात है, जन्नत का वादा है, इंशाल्लाह जन्नत में हमारी तुम्हारी मुलाकात हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने कहा था कि भाई ये तो आपके पास जो दलित किस्म के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उन्होंने आपकी बात मानी है, हमारे सरदारों ने तो मानी नहीं है, आप इनको हटा दें अपने पास से, हम इनके बराबर तो आकर नहीं बैठ सकते, इनको हटा दें तो हम आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा यह तुम्हारा फजूल मुतालबा है, यह कबूल नहीं होगा, अल्लाह की बात जो मानेगा मैं उसे गले से लगाऊंगा, इंसान सब बराबर हैं। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, इंसानो हमने तुमको एक मर्द एक औरत से पैदा किया है, व जअलनाकुम शुउबन व कबाइला लितअारफू, ये ख़ानदान बिरादरी तो सिर्फ पहचान के लिए है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, इज्जत वाला तो वो है जो अल्लाह से ज़्यादा डरता हो। तो ये इंसान की बड़ी कमज़ोरी है, वो गिरे पड़े लोग, वो बेहैसियत बेवकार लोग, जिन पर अल्लाह ने फजल फरमाया, अल्लाह की तौफीक से उन्होंने नबी की बात मानी और फिर अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी औलादों का ये मिजाज बन जाता है कि गोया इज्जत हमारा हक है, और वो अपने को कुछ VIP तसव्वुर करने लगते हैं, तो हम सब के बराबर बैठ नहीं सकते, हमारे लिए ज़रा अलग मजलिस होनी चाहिए। इसीलिए यह आजिज़ जब कहीं जाता है और वो जो अलग अलग मजलिसें की जाती हैं ना, ये फ़ना तबके के लिए, ये फ़ना तबके के लिए, तो तकद्दुर होता है, उसको कोफ्त होती है, ये अलग अलग क्या चीज़ है, अल्लाह सबके हैं, अल्लाह की बात सबकी है। और वो जो जहन में होता है कि जिस तरह तबलीगी जमात में इज्तिमाआत में अलग अलग हलके लगते थे, ये ताजिरों का, ये रेलवे वालों का, ये मुलाजिमीन का, वो अलग अलग इसलिए लगते थे ताकि तश्कील काबू में आए, वो इसलिए नहीं कि इंसान अलग अलग है, वो एक मकसद होता था। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक घर में दावत है 50 लोगों की,
और दस्तरखान पर 10 की ज़रूरत है, 10 बैठ के बैठने की गुंजाइश है, तो 5 किस्तों में खिलाया जाएगा ना, अलग अलग कर दिया गया। तो ये अलग अलग इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उनको अलग अलग खाना खिलाया जा रहा है, अलग अलग इसलिए किया जा रहा है ताकि नज़्म काबू में आए, तो वहाँ तश्कील काबू में है। और यहाँ तो ये जो खसूसियत, हालांकि वो कोई भी वजह हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी जो तबकाती खसूसियात पैदा हुई उससे बुराइयाँ हुई, उसके गलत नतायज भी निकले। तो बनी इसराइल का भी एक मिजाज बन गया था कि हम जरा सुपर क्वालिटी है, हमारे साथ मामला अलग। अरब में जो बनी इसराइल रहते थे, पहुंचे क्यों थे अरब, उसकी वजह बिल्कुल अलग है। पहुंचे तो इसलिए थे कि अल्लाह की किताबों के जरिए उनको ये इत्तला मिली थी कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तशरीफ लाई। हुजूर की तलाश में वो वहां पहुंचे थे, जैसे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की तलाश में पहुंचे थे, लेकिन बाद में वहां रहते रहते उनका मिजाज ये बन गया था कि ये तो जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, इनका तो अगर हम कुछ दबा भी लें, खा भी लें, तो अल्लाह के यहाँ कोई हिसाब नहीं होगा। जैसे इस ज़माने में मुसलमानों का मिजाज बन गया है नऊज़ बिल्ला की, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह के आगे नहीं झुकते, उनका हक दबा लें, ये वही इसराइली मिजाज है, जो वही यहूदी मिजाज है। और कभी कभी, क्योंकि उन लोगों का एक मखसूस मिजाज था लड़ाना और कमाना, ये यहूदियों का बहुत कदीम मखसूस मिजाज है, कौमों को लड़ाना और कमाना। मदीने में भी जो यहूदी रहते थे वो मदीने के असल बाशिंदों को आपस में लड़ाते थे और फिर उनको सूदी कर्जे देते थे, उनको असलहा देते थे या असलहा खरीदने के लिए कर्ज देते थे और उनसे कमाते थे। ये बेचारे मदीने के दबे कुचले लोग कभी कभी समझ जाते थे कि ये यहूदियों की हरकत है, या कभी कभी किसी बात में जब यहूदियों से ठन जाती थी तो वो तो पैसों के पुजारी थे यहूदी, सामने आकर मुकाबला करना उनके बस का नहीं था, तो उस वक्त वो कहा करते थे ठीक है सता लो, कुछ दिन की और बात है, फिर आने वाले हैं वो, उनको आ जाने दो, फिर हम देखेंगे तुमको। तो जब वो लोग ये कहते थे कि वो आने वाले हैं उनको आ जाने, बेचारे अरब दहल जाते थे अंदर से, कौन आने वाले हैं। हालांकि यहूदियों को पहले से ये इत्तला थी कि हम हजरत इसहाक की औलाद हैं और वो आखिरी आने वाला हजरत इस्माइल की औलाद में आएगा, और अरब हजरत इस्माइल की औलाद। लेकिन धीरे धीरे जो अपनी खसूसियत का एहसास था उनको, उसके नतीजे में उनका यह जहन बन गया था कि भाई नबूवत अगर आ सकती है तो हमारे ही घर में आ सकती है, इन जाहिलों में कैसे आ सकती है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मैं बहुत सारी तफसीलात को छोड़ देता हूं, मुझे तो सिर्फ इस जुमले की मानवीयत को समझाना है इस वक्त अपने अजीज तलबा को। यसअलुक अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबं मिनस्समा, और ये इशारा करना है कि कुरान पाक में इस तरह गौर करने की मशक करें हमारे तलबा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फालुहा, इन्हें क्या हो गया है, क्या इनके दिलों पर ताले लग गए हैं, ये कुरान में क्यों नहीं गौर करते। तो कुरान में किस तरह गौर करना चाहिए, माना समझ लेना, तर्जमा कर लेना अलग चीज़ है, तदब्बुर अलग चीज़ है। तो बस इस जुमले की मानवियत को समझा करके बात ख़त्म करेंगे, 20 मिनट का आ गया तो मेरा ख्याल है वक्त ज़्यादा हो गया। 10 मिनट जी, 6:20 तक चलता है। अच्छा अच्छा, आपके 20 मिनट में बड़ी बरकत होती है माशाल्लाह। तो
जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई, आप मक्के मुकर्रमा में पैदा हुए और जब मक्के से मदीना पहुँचे तो अच्छी खासी तादाद हिजरत करके आ गई। अब यहूदियों को लगा कि अगर हमने मान लिया इनको, हैं तो ये अल्लाह के रसूल, ये तो उनको यकीन हो गया था। खुद अल्लाह ताला ने गवाही दी, अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहुम, ये अहले किताब तो इस तरह पहचानते हैं हुजूर को जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به, जानी पहचानी शख्सियत आ गई तो इनकार कर दिया। खूब पहचानते थे कि ये सच्चे रसूल, लेकिन रुकावट क्या बनी? रुकावट ये बनी कि भाई इनको मानने वाले तो सब ये जाहिल लोग हैं अरब के, अब अगर हम भी मान लें तो हम और ये बराबर हो गए, हम तो जरा हाई लेवल के लोग हैं ना। तो उन्होंने तकाजा किया, ठीक है हम गौर करेंगे आपकी बात में, आप एक काम करें, हमारे लिए आसमान से अल्लाह ताला का कोई खुसूसी खत ला दें। ये माना है يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء, कोई खुसूसी खत अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ला दें ताकि दुनिया वालों को मालूम हो जाए हम कितने आला दर्जे के लोग हैं, हमारे लिए अलग से एक सूरत नाजिल हुई है, अलग से कुछ आयात आई है। हालांकि अगर ऐसा हो भी जाता तो वो कहते ये तो आपने कह दिया है, हमें क्या पता कि अल्लाह की उतारी हुई है, अल्लाह ताला को बुलाइए सामने, फरिश्ता आ जाता तो अच्छा कौन लाया है, हजरत जिब्रील, नहीं उनसे तो हमारी लड़ाई है, ये बात तो कुरान में पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, जिब्रील से तो हमारी लड़ाई है। तो न मानने वाले के लिए हजार बहाने होते। तो अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद फरमाई है कि ये सवाल ही गलत है, दलाइल के सिलसिले में मुतय्यन कर, जैसे इस जमाने में बात लोगों का मिजाज है ना, हम मान लेंगे लेकिन हमें तो बुखारी शरीफ में दिखाओ, क्यों सिर्फ बुखारी ही शरीफ है और बाकी सब की शराफत खत्म हो गई है, हमें तो बुखारी शरीफ में दिखाओ। उससे एक कदम आगे बढ़कर के एक तबके ने कहा नहीं हमें तो कुरान शरीफ में दिखाओ, लीजिए साहब हदीस का भी इनकार हो गया। हो सकता है कल को कोई आगे बढ़ के कहे हमें तो सूरह फातिहा में दिखाओ, फिर कोई कहेगा हमें तो सिर्फ बिस्मिल्लाह में दिखाओ। ये मिजाज कहां से आया मालूम? वही यहूदी मिजाज, वही यसअलुका, ये सब उसी के जिम्मे में है। तो ये असल में मिजाज की खराबी थी, वरना जो चीज आई है उसमें गौर करो कि ये अल्लाह की तरफ से उतारी हुई दलील है या नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दम भरते हैं, इन्होंने खुद हजरत मूसा के साथ क्या किया है? फकत सालू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, इससे बड़े बड़े मुतालबे हजरत मूसा से किए हैं, फकालू अरिनल्लाह जब, उन्होंने कहा मूसा हम ऐसे नहीं मानेंगे, हमें तो दिखाओ अल्लाह को। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पर तशरीफ ले गए थे अपने साथ कौम की एक जमात मुंतखब जमात को लेकर के, और वहाँ 40 दिन तक अल्लाह ताला ने रोका था, और जब उनको किताब दी गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखो ये अल्लाह की किताब है, और उन लोगों ने अल्लाह की आवाज़ सुनी, उन नुमाइंदों ने अल्लाह की आवाज़ सुनी, तो उन लोगों ने क्या कहा था? मूसा हमें क्या पता, क्या पता तुमने चुपके से कुछ स्पीकर वगैरह फिट करा दिए हो, कहीं से रिकॉर्ड करके कोई आवाज ले आए हो, हम तो जब देखेंगे तब मानेंगे। अल्लाह पर मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए, या अल्लाह ऐसे लोगों पर कोई अजाब आएगा तो मैं कैसे बचूं? बस अल्लाह की तरफ से सजा मिली, उसी वक्त सब मर गए। देखना चाहते थे ना, वो दुनिया में जिंदा रहते हुए कोई अल्लाह को नहीं देख सकता, तो अल्लाह ने कहा ठीक है हम तुमको दिखा देते हैं, मर गए। अब जब मर गए और अल्लाह के दरबार में उनकी पेशी हुई तो फिर तो हालत खराब हो गई,
वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं और कौम के वो सारे नुमाइंदे मुर्दा पड़े हैं। हज़रत मूसा दरख्वास्त कर रहे हैं, अल्लाह ये तो मर गए, ये तो इससे ज़्यादा सज़ा के हकदार थे, बड़े नालायक थे, लेकिन अल्लाह ये सज़ा तो मेरे लिए बन जाएगी, जब मैं वापस जाऊंगा तो कोई ना मानेगा कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती की थी कि उनको सज़ा मिली वो मर गए। सब कहेंगे अच्छा मूसा असल में उन लोगों के रहते हुए तुम्हारी लीडरी नहीं चमक पा रही थी, तुम्हारी क़यादत नहीं तस्लीम की जा रही थी, इसलिए तुमने हमारी कौम के सारे कायदीन को ले जा करके कहीं घात लगवा करके कुछ लोगों को जमा करके मरवा दिया ताकि हम तुम्हें लीडर मान लें, ऐसे तो नहीं मानेंगे। ये मिजाज था उस कौम, ये उस कौम का मिजाज नहीं था। आपको किस कौम का मिजाज बन गया है उसको समझने की ज़रूरत है, हमारा मिजाज ये बन गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने उन लोगों को ज़िंदा कर दिया। हज़रत मूसा ने पूछा देख लिया, हाँ हाँ देख लिया, बस बस कोई नई सज़ा ना मिले, चलो वापस आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को जमा करके कहा कि देखो ये अल्लाह की किताब है, तौरात के कुछ नुस्खे थे, तख्तियाँ थी, अलवाह थे तौरात के, इसलिए कि जब हज़रत मूसा वापस आए थे और वहाँ बछड़े की परस्तिश हो रही थी तो कुरान ने कहा वह अलकल अलवाह, उन तख्तियों को हज़रत मूसा ने एक तरफ डाला और कौम को जमा करके कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अब तुम्हें ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारना है और ये तुम्हारे नुमाइंदे हैं, ये सुन के आए हैं, देख के आए हैं, पूछ लो इनसे। तो उनकी नालायकी थी, उन्होंने कहा कि हाँ बात तो सही है तो अल्लाह की बात, हम तो इसके गवाह हैं, लेकिन ये थोड़ी कहा था अल्लाह ताला ने कि बस यही करना है, इसके खिलाफ कुछ ना करना, ये कहा था जितना हो सके कर लेना। तो कौम ने कहा फिर हमसे तो ना हो पाएगा, जब ये कहा था कि जितना हो सके इतना कर लेना तो भाई इन अहकाम पर हमसे तो अमल हो नहीं पाए। उठाया गया पूरा कोहे तूर और जैसे ये झूमर लटका हुआ है ना आपकी छत में, देखिए उसको ऐसे लटकाया गया उनके सर के ऊपर। क्या ख्याल है, मानोगे, अमल करोगे या छोड़ दें? बहुत लटका हुआ मालूम है, पिस जाएंगे, पता मान लिया मान लिया मान लिया, कितनी देर के लिए मान लिया, जितनी देर पहाड़ लटका इतनी देर के लिए मान लिया, फिर वही मनमानी। जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है ना, कहते हैं अगर उसको एक पाइप के अंदर डाल दो 10 साल पड़ी रहने दो फिर निकालो फिर टेढ़ी हो जाएगी। ये मिजाज की खराबी है। लेकिन चूंकि बनी इसराइल को मुस्तकिल बाकी नहीं रखा जाना था, उनको हिदायत से महरूम होना था, इसलिए उनकी साबका हैसियत के बरकरार रहते हुए उनके मिजाज की इसलाह नहीं हो सकती थी। उनको अपने मिजाज की इसलाह का एक मौका दिया गया था कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर ले तो उनके इस मिजाज की इसलाह हो जाएगी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को चूंकि क़यामत तक बाकी रखने का अल्लाह ने फैसला किया है, इसलिए अल्लाह ताला ने यह इंतजाम फरमाया कि इस उम्मत की इसी हैसियत को बरकरार रखते हुए इसकी मिजाज की इसलाह हो सकती है और वो इसलाह होगी इस उम्मत में काम करने वाले अल्लाह के उन नेक और मकबूल बंदों के जरिए जो बंदों को अल्लाह से जोड़ते हैं। यही फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, जिस तरह बनी इसराइल में मबऊस होने वाले अंबिया के जरिए उनके बिगड़े हुए मिजाजों की इसलाह का मौका दिया गया, मेरी उम्मत में काम करने वाले जो उलमा हैं उनसे जुड़ करके अपने अपने मिजाज की इसलाह हो सके। तो यह समझना कि अल्लाह की तरफ से दलाइल हमारी मर्जी के मुताबिक आने चाहिए, काम इस तरह होना चाहिए जैसे हम चाह रहे हैं, यह मिजाज का बिगाड़ है। अगर काम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है तो हमें कबूल करना चाहिए, अगर बात अल्लाह की है तो हमें कबूल करना चाहिए। हज़रत अब्दस्थानवी नवल्लाहु मरकदहू के एक मलफूज पर मैं अपनी ये गुफ्तगू ख़त्म करूँगा।
مجھے اس وقت کوئی تفصیلی بات کرنی بھی نہیں تھی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو زندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تجویز کی زندگی، ایک تفویض کی زندگی. تجویز یہ ہے کہ ہم طے کریں یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. تجویز میں ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے. تفویض یہ ہے کہ ہم یہ نہ طے کریں کہ کیا ہونا چاہیے، اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو مان لیں. جس قسم کے حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں ہم خوش رہیں، بس ہر حال میں خوش رہیں اللہ سے، اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اگلی آیات میں آپ نے بنی اسرائیل کے بہت سارے جرائم سنے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، بعد میں اس کا اجمال ہے، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. دیکھ لیجئے گا آپ ان آیات کو، سورہ مائدہ کی ان ساری آیات کو. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ، ان کے ان مظالم کے نتیجے میں، یہ ظلم انہوں نے کس پہ کیے تھے؟ اپنے آپ پر کیے تھے. فَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ان کے ان گناہوں کے نتیجے میں، ان کے ان مظالم کے نتیجے میں. حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، وہ بہت ساری پاکیزہ نعمتیں جو ان کے لیے حلال تھی حرام کر دی. اس امت کو ڈرایا جا رہا ہے تم کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے محروم کر دے، کیسے حرام کریں گے؟ وہاں تو حرام ہوئی احکام کے ذریعے، تم یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے. اب تو احکام بدلیں گے نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اللہ ڈرا رہے ہیں کہ اگر تم ہماری نافرمانی کرو گے ہم تم پر بھی بہت ساری نعمتیں حرام کر دیں گے. اب کیسے حرام کی وہ نعمتیں؟ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں بل منظور ہوگا، فلاں جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے، فلاں چیز نہیں کھا سکتے، یہ کام نہیں کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے، یوں نہیں کر سکتے، فلاں حکم پر عمل نہیں کر سکتے، فلاں دین کے مسئلے پر عمل نہیں کر سکتے. وہی ہے، اسی کا امتداد ہے. اللہ ڈرا رہے ہیں، پھر ہم یہ سزا دیتے ہیں، زندگی دشوار کر دیتے ہیں. اور جب بندے اور بندیاں اپنے کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اللہ زندگیاں آسان کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آسان زندگی عطا فرمائے، دشواریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.